नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पति पत्नी और परिवार के रिश्तों के बारे में, और इस विषय पर बहुत सारे आलेख पढ़ा और अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे विचारों को पढ़ने जानने के बाद कुछ संक्षिप्त बातें रखना चाहूँगा। बहुत लोगों को ये लगेगी कि उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें लगेगी कि ये बहुत उम्र के हिसाब से बहुत कठोर बोल रहे हैं या बोल रहा है, लेकिन यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। शादी विवाह जब भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें, किसी के कह देने से हर बार रिश्ते नहीं बनाए जाते। हाल की घटना में हाई कोर्ट के एक फैसले में देखा कि पत्नी 16 सालों से पति से दूर रहती थी, अपने मायके में रहती थी और पति को एक चवन्नी के बराबर भी वैल्यू नहीं देती थी। 16 सालों में तलाक की याचिका दायर करने के बाद बार बार कंपनसेशन मांगने के लिए अड़ जाती थी। पति जब उससे कहता था कि चलो अपने घर पर रहो, साथ में रहते हैं, हमारा एक बच्चा है, साथ में रहते हैं, तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। आमतौर पर इस समाज में धारणा बना दी गई है कि पत्नियां लड़की क्राइम नहीं करती है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ और मकारी वाला शब्द है, वाक्य है। समाज का कड़वा सच्चे है कि आजकल अपराध में महिलाएं भी कम नहीं हैं। अभी एक दिन पहले की घटना कल का देखा, नोएडा में किस तरह से दबंगता एक महिला की गाली सोशल मीडिया पर वायरल देखी। हाल ही में एक और घटना देखी सोशल मीडिया पर कि ट्रेन में जब 3-4 महिलाएं सीट पर बैठी हुई रहती हैं और एक महिला आकर जगह मांगती है, जबकि जगह थी, सब अच्छी तरह से बैठी हुई थी, अपना अपना पर्स को भी सीट पर रखी थी, सामने वाली महिला कहती है कि मुझे भी बैठने के लिए जगह दो, तो सामने वाली महिला, वो भी आप निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की बात नहीं है, ये हाई सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि क्या हमारे समाज की स्थिति है, वो महिला बैठने नहीं देती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है कि बैठने दो, सीएसएफ को बुला दूंगी, मतलब रेलवे में मेट्रो की घटना होगी, लेकिन वो सामने वाली महिला को बैठने नहीं दे रही है जबकि सीट खाली है। मतलब अपने सो कर सफ़र करेंगे लेकिन सामने वाला बैठ भी ना पाए, और ये महिला के प्रति कर रही है। अगर पुरुष इस तरह से अगर कर देता महिला के प्रति, तो सोशल मीडिया और बिकाऊ मीडिया चैनल इसको इस तरह से हाईलाइट कर देती है कि देखो पुरुष ने ऐसे कर दिया, लेकिन महिला के प्रति करे, महिला पुरुष के प्रति करे, तो ये सामान्य घटना है। एक साल पहले एक और इसी तरह से वीडियो में देखा कि एक महिला एक बुजुर्ग को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है और पुलिस महिला को छुड़ाती है और सुलह कराकर भेज देती है। अगर यही पुरुष अगर महिला को मार दे तो FIR पुलिस करने लगती है, थाना बैठाने लगती है। ये हमारे देश में इस तरह से सिस्टम काम करता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं बहुत बार देखा, पढ़ा, सुना, और ये आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे हुए हैं और वायरल वीडियो भी बहुत सारे हैं। अगर चाहूँ तो कई लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लेकर किसी का पॉइंट करके विवादों में आ जाए या अधिक विवाद में रहा जाए। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना, आपसी स्वस्थ चर्चा करना है और समाज की कड़वी हकीकत जानना है। तो घटना यह है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप 15 साल 16 साल से पति से दूर रहती हैं और तलाक का मामला है, तो
तो बार बार आप याचिका दायर करती हैं, याचिका आपने अपनी लगा दी है कि मुझे पति तंग करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मुझे इंसाफ दिया जाए। बार बार पारिवारिक सुलहनामा कोर्ट में जो आने जाने का है, पति का खर्चा, क्योंकि कोर्ट में न्याय पाना तो आसान है नहीं। ये चार्ज दो, ये चार्ज दो, वकील को पैसा दो, फॉर्म खरीदो, हर चीज़ में आप फॉर्म खरीदो तो उसका मोटा पैसा दो, वकीलों को भी मोटा पैसा चाहिए। तो ये सब जब हो रहा है तो पति हर तरह से प्रताड़ित हो रहा है। और हमारे कानून में क्या है कि महिलाओं को हर जगह रिबेट दे दी गई है। आप अपने मायके में रह रही हैं और पति 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वो राजस्थान से आ रहा है, दूसरे स्टेट में, हर तारीख पर तारीख उसको दौड़ाया जा रहा है, और ये 15 साल, 16 साल से हो रहा है। बताओ कि तुमको रहना है कि नहीं। तो पत्नी बोलती है, तो पति, तो जज साहब गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि स्पष्ट बताओ कि तुमको रहना है नहीं। तो वो मुकर जाती है और कहती है कि ये तंग करते हैं, करते हैं, वो करते हैं। तो जज साहब ने कहा कि आपका बेटा जो पढ़ रहा है, बेटी जो पढ़ रही है, उस पर खराब असर पड़ेगा, आप इसके साथ जाओ और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। यहाँ वो लेडीज कोई भी दुर्भावना हो लेकिन वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसको वो तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं थी, मतलब वो पति की जिंदगी भी बर्बाद कर दे, उसको तलाक भी 15-16 साल से न दे, प्रोसेस हो जाए तो न दे। और जब जज साहब कहते हैं कि साथ में रहो, तो साथ में भी नहीं रहे। तो जज जब गुस्से हो जाते हैं तो कहते हैं कि अभी इस प्रोसेस में पति और पत्नी आपस में बैठकर बात करें, पत्नी के घर मायके जाएं और आपस में बैठकर बात करें। और जो लेडीज वकील रहती हैं उनको भी जज साहब ने कहा कि आप दोनों बात करें, अगले तारीख पर देखता हूँ और इस तलाक का प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 साल, 16 साल तक उसको टॉर्चर करके रखें और कानून के नाम पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें। 15 साल, 16 साल से ये हर दिन तारीख पर तारीख इधर उधर दौड़ रहा है, इस तरह के हमारे कानून में ये सब काम नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत तलाक देना चाहिए। महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी पर उतर जाएं और ये करें। तो इस समाज के संदर्भ में ये है कि मीडिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, अखबारों में भी हम देखते हैं कि महिलाओं ने कानून का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और ये समाज की कड़वी सच्चाई है। SC ST एक्ट हो, कल परसों की घटना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI जांच की सिफारिश की है। वो जांच इसलिए सिफारिश की है कि 50-51 वकीलों ने एक याचिका दायर कर दी थी और हाईकोर्ट को बताया था कि एक लॉबी है, थाना से लेकर हाईकोर्ट तक एक लॉबी है जो स्वर्ण जातियों और सामान्य जातियों को टारगेट करती है, SC ST एक्ट लगाती है, पैसा उगाही करती है। तो कोर्ट ने इस मामले को जांच का आदेश दिया है और 2 महीने के अंदर में रिपोर्ट जमा कर दिया है। हमारे देश में क्या है कि हर कानून का बहुत सारा मजाक बना दिया गया है और इसका बहुत सारा मिसयूज होता है। इनमें सबसे ज़्यादा अगर मिसयूज होता है तो महिलाओं के प्रति अधिकार के जो कानून है उसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है, दूसरा SC ST एक्ट का इस्तेमाल होता है, और इसमें सारी लॉबी की कमाई होती है, थाना से लेकर SP ऑफिस तक ये सब पूरा रैकेट रहता है, खासकर इस मामले में है, अन्य में हो या नहीं। और इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 दिन पहले की भी घटना देखी है कि एक CA लड़का है, उसने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि SC ST एक्ट लगाकर उसको फंसा दिया गया था। और इसमें भी पुलिस अधिकारी से लेकर नीचे तक एक गिरोह की बात आई है और मीडिया में छपी है।
तो बहुत सारे हमारे समाज की हालत वो ठीक नहीं है, और अंदर ही अंदर समाज में गलत लोगों ने कानून का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने संविधान को इस तरह से लागू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस सी एस टी एक्ट कानून में अगर किसी पर FIR दर्ज होती है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी धंधेबाज हैं, राजनीतिक धंधे में शामिल हैं या राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सड़क पर कोहराम मचा दिया इसलिए कि FIR दर्ज करें, तुरंत अरेस्ट करें। लेकिन यही केंद्र की सरकार है, ये तुरंत तैयार हो जाती है, संविधान के ताक पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ताक पर चले गए, क्योंकि वोट बैंकिंग को देखना है। तो SC ST एक्ट पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बात को धता बता दिया और जैसे था वैसे ही पुराना वो लागू कर दिया। तो हमारे देश में व्यक्ति के मरे आप आत्महत्या करें, आपकी हत्या हो, आप बिक जाएं, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीतिक दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। और जज्बात में हर चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमारे देश में हर जगह हर चीज़ का गलत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए सोच समझ कर रहे हैं। और बोझिल रिश्तों को न अपनाएं, हर जगह ये कह दे रहा है, वो कह दे रहा है, ये नीति है, तो इसके काला सच को भी आप जानें और हकीकत का भी सामना करें। आजकल हो क्या रहा है कि महिला हो, SC ST एक्ट हो, चाहे बहुत जगह हो, बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर हर क्षेत्र में माफियागिरी गुंडागिरी हावी हो गई है, बहुत जगह क्षेत्रों पर हावी हो गई है, खासकर पारिवारिक मामलों में। पत्नी पति को टॉर्चर करती है, तंग करती है, तो लोग आमतौर पर परिवार के लोग देते हैं कि लड़के में दोस्तों की लड़के वाले तंग कर रहे होंगे, तो बात ये भी सही है, लेकिन ये पूरी सही नहीं है, ये आधा सच होता है, और खासकर अधिकतर मामलों में आधा सच होता है। आजकल हर जगह इस तरह से खेल हो जा रहे हैं कि पुरुष होना भी गुनाह सा हो गया है, और सामान्य जातियों, स्वर्ण जाति तथा कथित स्वर्ण जातियों को तंग करने के लिए तो पूरा सिस्टम में उस सिस्टम ही बना, और ये राजनीतिक कार्यप्रणाली में लगे हुए लोग चाहते हैं कि तथा कथित स्वर्ण जातियों को टॉर्चर होते रहे, वो हर तरह से आनंद लेते रहें, राजकोष लूटते रहें और सत्ता विलासिता का आनंद लेते रहें, और तथाकथित स्वर्ण जातियाँ झंडा ढोती रहे, जय जयकार करती रहे, और नेता मंत्री की विलासिता ठाट बाट अरबों खरबों की जिंदगी चलती रहे। और यह हमारे देश की कड़वी सच्चाई है, रिश्ते नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्तों में वो सम्मान नहीं रहा है जो आप यहाँ उम्मीद करते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का दौर भारतीय राजनीति में कब का खत्म हो चुकी है, और यही हाल हमारे समाज का भी है। राजा हरिश्चंद्र का दौर नहीं है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का दौर नहीं है, और भारतीय राजनीति में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अब दौर नहीं है। समाज हो या राजनीति हो, हर जगह संबंध और रिश्ते हों, सब में बिखराव, नैतिकता का हास और गरिमा गिरी है, इसलिए सविवेक पर निर्णय लेना चाहिए, और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि किसी का इतना शोषण ना हो जाए कि वो घुट घुट कर मर जाए, आत्महत्या कर ले। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो जिंदा तो रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खोखले होकर मर जाते हैं। कानून और समाज के कुछ लोग इस तरह से प्रयास करें कि किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, और ये उचित भी नहीं है। तो पुराने घटना में महिला जो है पति से तलाक लेने के लिए याचिका दायर करती है, 15-16 सालों तक वो
पति को तलाक भी नहीं दे रही थी और साथ भी नहीं रह रही थी। तो महिला इतनी तथाकथित पढ़ी लिखी थी कि ये मैं आज से 20 साल 25 साल पहले कंप्लीट कर ली थी। लेकिन ईगो, ईगो नाम का चीज कि मैं एडवांस हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, वो समझती नहीं थी। और पति वो सरकारी अधिकारी था, यहाँ ट्रांसफर हो वहाँ ट्रांसफर हो, लेकिन वो साथ नहीं रहती थी क्योंकि पत्नी स्वच्छंद जिंदगी जीना चाहती थी। और एक और मामले में देखा कि पत्नी पति को बाहर भीड़ में पारिवारिक समारोह में चप्पलों से पीट देती है, लेकिन तब भी उनको तलाक नहीं चाहिए, साथ रहना है, साथ भी नहीं रहना है। उनको हर महीना पति जितना उसकी सैलरी है 80% 80% चाहिए। मतलब तो जज साहब ने तुरंत इस पर मना कर दिया, कहा कि इस तरह से पुरुष का भी शोषण उचित नहीं है, और निर्देश दिया कि आप जाइए, रहना है तो रहें। और ये पुरुष होने का मतलब ये नहीं है कि वो पुरुष है तो आप उसको तंग करेंगी। तो हमारे समाज में महिला जज हों या पुरुष जज हों, इनको भी सहानुभूति पूर्वक और समाज में छल प्रपंच जिस हिसाब से हो रहा है इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। और राजनीतिक धंधे में लगे या राजनीतिक सत्ता में लगे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जाति धर्म के नाम पर एक लिमिट से ज़्यादा तंग कर रहे हो, और ये समाज में किस तरह से वैमनस्यता हो गई है ये आपको समझ में नहीं है। कुर्सी का आनंद लेना है, इधर खूब तस्वीरें राजकोष से छपवाना, प्रचार करना, ये अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अपने घर से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। राजकोष है, सत्ता और विपक्ष, खूब आनंद है, ऐश मौज है। तो आपको, आप लोगों को समझ तो होगी नहीं, वेतन भी मिल जाना है, भत्ता भी मिल जाना है, कदम कदम चलने का फंड है, तो विलासितापूर्ण जिंदगी है। 5 साल में एक बार जनता जय जयकार करके वोट दे देती है, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वोट बैंक चाहिए। तो इस विषय पर भी सकारात्मक सोचने की जरूरत है, और आम जनता को भी सोचने की जरूरत है। रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते, परिवार हो या वोटर या राजनीतिक नेता के प्रति हो, हर जगह संबंधों का हास हुआ है, नैतिकता का हास हुआ है, और कानून को तोड़ मरोड़ कर रिश्तों को परिभाषित करने का एक गंदा खेल ये नहीं होना चाहिए। अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहें, और ये हमारे समाज के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि हर दिन समाज में धारणा बन जाती है कि पुरुष वाला है, पुरुष है तो इसने अत्याचार किया होगा। लेकिन हाल की मीडिया घटनाओं को देखें तो महिलाएं खुलकर अपराध कर रही हैं, हर तरह के अपराध में महिलाओं की सहभागिता है, और खासकर ऐसे रिश्तों को भी होना उचित नहीं है कि पत्नी है वो पति को एक चवन्नी भी नहीं समझती है, महत्व नहीं देती है, हाथ उठा देती है, अपमानित करती है, तो ऐसे रिश्ते भी उचित नहीं है। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज की स्थितियों को दर्शाना था, और सामाजिक विषयों के इस वीडियो को विराम देते हैं, अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत। अगर कहीं त्रुटि होगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बोला विचार व्यक्त किया ये सोशल मीडिया और अपने विभिन्न ग्रुप्स के लोगों के विचार को मैं संक्षिप्त में रखा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।